इस वक्त मैं मौजूद हूँ शामली के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज पर, जहाँ पर आज छात्राओं ने इंटर का जो इंग्लिश का पेपर है जो लीक हो गया था, आज दोबारा से उसकी परीक्षा हुई है। कैसा पेपर रहा है इन बच्चों का, इन छात्राओं से सीधी बात करेंगे। बुढ़े क्या नाम है आपका? नेहा है मेरा नाम। कौन सी क्लास में आप? 12th में। जो आज का पेपर हुआ है इंग्लिश का, वो कैसा हुआ आप लोगों का? बहुत अच्छा हुआ आज का पेपर। तो नकल माफियाओं द्वारा पहले पेपर लीक कर दिया गया था, जो पहला पेपर आया था और अब के पेपर में क्या फर्क देखने को मिला है? मतलब पहले पेपर का तो पता नहीं कैसा होगा, लेकिन ये वाला पेपर बहुत इजी था। क्या आप लोग दे पाए थे पहला पेपर या बीच में ही आउट कर गए थे? नहीं, पहला पेपर तो दिया ही नहीं, क्योंकि वो लीक हो गया था ना, इसलिए। आए थे एग्जाम देने? हाँ आए थे, पर वापस चले गए थे। वापस चले गए थे। गुड़ी आपका क्या नाम है? गरिमा। कैसा हुआ पेपर? पेपर बहुत अच्छा हुआ। पहला पेपर में बैठे थे आप, जो पहला पेपर इंग्लिश लीक हो गया था तो वापस चले गए थे बाहर से बाहर। क्या मानते हैं जैसे आपको दोबारा आना पड़ा पेपर देने के लिए, पहले में आप लोग ऐसे ही चले गए थे, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और क्या मानते हैं कि पहली परीक्षा में और इस परीक्षा में तैयारी करने को टाइम मिला है या पहले पेपर देते तब अच्छा रहता? पहले पेपर रहता तो ज्यादा अच्छा होता, हमें टाइम और भी मिलता। वैसे हमें फायदा हुआ कि अब भी हमारा पेपर हो गया दोबारा से। तो जो पेपर लीक करने वाले हैं, जो पेपर माफिया हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत गलत बात है, ऐसे करना नहीं चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। बुढ़े आप कुछ कहना चाहेंगे पेपर के बारे में? कैसा हुआ आपका पेपर? बहुत अच्छा हुआ। इंग्लिश का पेपर था? हाँ, इंग्लिश का पेपर। क्या मानते हैं जो पेपर लीक करते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको सजा दी जाए। किस तरह की सजा होनी चाहिए? कड़ी कार्रवाई की जाए उनके साथ। देखिए, मैं इस वक्त शामली के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में हूँ, जहाँ पर छात्राओं का ये कहना है कि जो पेपर लीक करते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। कुछ और भी छात्र हैं हमारे साथ हैं। बुढ़े क्या नाम है आपका? बताइए बताइए पेपर कैसा हुआ? पेपर बहुत अच्छा हुआ आज का। इंग्लिश का पेपर था ना? हाँ जी, आज इंग्लिश पेपर है ना, जो आउट हो गया था वही पेपर है ना? जी सर। जी, कैसा हुआ पेपर? बढ़िया, बहुत अच्छा गया, अच्छा है पेपर। अच्छा, ये बताइए जो पेपर लीक हुआ था उसके बाद आप दोबारा परीक्षा देने के लिए आए थे, पहले भी परीक्षा थी आप लोगों की, तो क्या दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं जी, सब बढ़िया हुआ। पेपर अच्छा हुआ है, पहले आए थे ऐसे चले गए थे खाली हाथ, तो क्या मानते हैं दोबारा से आए हैं दिक्कतें हुई या नहीं हुई है? आप मानते हैं कि दोबारा से भाई एक पेपर को दो बार देने के लिए आना पड़ा है, तो सही है गलत है? पता है कुछ सही है, वैसे तो पहले हार्ड था जो उनसे पहले पेपर था, तो ये अब के आसान था थोड़ा। जो पहला पेपर था वो आप लोगों ने दिया था? नहीं, वो नहीं दिया। तो कैसे पता चला कि हार्ड था या नहीं था? वो हमने देखा था पेपर आउट होने के बाद। हाँ। अच्छा, कई और पे भी वो पेपर हुआ था, तो उसने वायरल किया था ना, तो इस वजह से हमने देखा था वो। अच्छा। तो वो हार्ड था पेपर। तो कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा हुआ है क्या? हाँ, फायदा हुआ है। देखिए, कुछ छात्र हैं जिनको पेपर आउट होने के बाद थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, उनका कहना यह है कि जो पहला पेपर था वो हार्ड था और अब की बार जो पेपर आया वो काफी सरल पेपर आया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो पेपर लीक वाले मामले में जो छात्र हैं, जो सजा की प्रावधान की बात कर रहे हैं, क्या उनकी सरकार सुनती है नहीं। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज 24।